आप बैठोगे, क्वेश्चन पेपर को खोला, उसके बाद 1 to 100 काउंटिंग आप लोगों ने लिख लिया जैसे मैंने लिखा है। अब आपने देखना है क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर ए होगा। 1 का आंसर ए, बी का सी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का बी, ऐसे 100 तक जब आपने किया। 2 आवर्स टाइम भी सेट करना है क्योंकि 2 घंटे होते हैं इन क्वेश्चंस के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए 2 आवर्स होते हैं। जब आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक सॉल्व कर दिया, 2 आवर्स में आप कितने। हेलो एवरीवन, दिस इज तारिक, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई आज का वीडियो है यूजीसी नेट JRF पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वालिफाई किया। जब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए सर, तो सबसे पहले मेरा एडवाइस ये है कि आप जब भी JRF की प्रिपरेशन करने के लिए बैठो, पहला काम करो सिलेबस उठाओ। एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि JRF के लिए पढ़ना है, कोई भी बुक उठा लो पढ़ लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुक्स में आप लोगों को बताऊंगा, मगर उस पे आने से पहले बेसिक स्ट्रेटेजी को समझना है। ये सारी बातें पेपर 1 एक होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 हम लोगों को पता है जनरल अवेयरनेस के लिए होता है, और पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है। पेपर 2 के ऊपर आज बात होने जा रही है, पेपर 1 के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। पेपर 1 का जैसे हम लोगों को पता है कि वहां पर यूजीसी ने भी बताया है कि 10 यूनिट्स होती हैं और ईच यूनिट में से 5 क्वेश्चन डाले जाएंगे और हर यूनिट 10 मार्क्स कैरी करती है। मगर जो पेपर 2 है वहां पर भी यूनिट्स जो है 10 होती हैं, बट वहां के यूजीसी ने भी कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब बताया नहीं है कि ईच यूनिट कितने मार्क्स कैरी करती है या कितने क्वेश्चन एक यूनिट में से आएंगे। मगर हाँ, एक बात है कि हम लोग एक गैस लगा सकते हैं पुराने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के। एक यूनिट में से या तो 13 क्वेश्चन आते हैं, कभी 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 10 आते हैं, मगर मिनिमम 5 क्वेश्चन आए। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं CU CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी जो है अपना फिर से लॉन्च कर रही है कोर्स। उस कोर्स में जो है CU CET एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जा रहा है। यू कैन गिव दिस 2 आवर्स फ्री टेस्ट टू एनालाइज योर करंट प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ईदर गो फॉर इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन फॉर बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी, आर कैन ऑप्ट फॉर अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज होंगे, क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस विल बी प्रोवाइडेड। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द रिसेंटली लॉन्च बैचेज। CU CET पार्ट बी बैच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन क्रैकिंग CU CET बट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर साइंस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। पार्ट ए बैच विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अगर आप लोग CU CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मेरा ये कूपन कोड नीचे दिया गया है, यूज कर सकते हैं। आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। CU CET के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जल्दी जाके अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। भाई इस साल की CU CET की प्रिपरेशन आप लोग अन अकेडमी के साथ मिलकर कर सकते हैं। आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। भाई पेपर 1 ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस है, उसके बारे में बात कम करेंगे। पेपर 2 को आप कैसे कवर करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करके आते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए प्रोग्रामिंग करके आते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना बीए प्रोग्रामिंग और ऑनर्स में होता है पॉलिटिकल साइंस, बट कॉमर्स से आते हैं या इंजीनियरिंग से आके पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं, बट उनको भी JRF चाहिए क्योंकि आप वो मास्टर्स कर रहे हैं। ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ट्रिप मेरी तरफ से यह है, भाई अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है या प्रोग्रामिंग वाले भी आप 3 साल पढ़ के आए हो पॉलिटिकल साइंस, मैं भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो हम इंटायर ग्रेजुएशन में वो सिलेबस जो यूजीसी नेट ने दिया है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, वो कवर हो जाता है। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स के लिए ये है, जो पॉलिटिकल साइंस पहले पढ़ के आ चुके हैं, सीधा चले जाओ, डायरेक्ट कहीं आगे पीछे नहीं देखना है। 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका 80 to 85% काम यहां पे ही बन जाता है। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए या तो आप ऑनलाइन जाए, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे वहां पे, वहां से निकालो, डिस्कस कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, अगर वहां पे आप लोग नहीं जाना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
में जब यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था ऐसे क्वेश्चन मैंने भी प्रैक्टिस किए थे, 1 to 100, 1 to 50 काउंटिंग लिख के, 1 to 50 काउंटिंग लिख के या 1 to 100 काउंटिंग लिख के खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हमने भी जेआरएफ को निकाला। यही टेक्निक आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा कमजोर है, मैं 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा हूं, 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो बुक्स पे मत जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्यादातर सॉल्व करो। अगर 40 से कम कर रहे हो, 35 पे हो, तो बुक्स पे चले जाओ। क्या क्या बुक्स पढ़नी है, सिलेबस को अगर आप देखोगे इजिली टोटली उन्होंने कंपार्टमेंटलाइजेशन किया, बड़े अच्छे से बताया है क्या क्या यूनिट्स हैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। सपोज पॉलिटिकल थ्योरी है सिलेबस में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये जो है 10 यूनिट्स हैं, इन्हीं 10 यूनिट्स में से क्वेश्चन पेपर डाला जाता है। अब इन 10 यूनिट्स में से कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा को आप लोग पढ़ सकते हैं, ये है ओपी गाबा की बुक, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ओपी गाबा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह आप लोगों को पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, मगर इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक एक ये है मुखर्जी की, सुभद्रा मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, आप लोग ये पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कवर करना है तो जेसी जोरी की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आईआर के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पुष्पेश पंत की बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन 21st सेंचुरी, इसको कंसल्ट कर सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए एमपी सिंह और हिमांशु राय की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इन तीनों को कवर करने के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक को ले सकते हो। देखो लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी की बुक को भी आप ले सकते हो, बट मेरी सजेशन यह है आप लक्ष्मीकांत की पब बैड की बुक को लें, क्योंकि इसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं पब बैड को एकदम कवर कर देंगे। पब बैड के चैप्टर्स अगर क्वेश्चन आपको कवर करने हैं तो 4 चैप्टर बाई बिगनिंग के पढ़ लो 101%, उससे बाहर बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हो, पब बैड के 10-15 क्वेश्चन कवर करना चाहते हो, तो लक्ष्मीकांत बुक के जो पब बैड की बुक है फर्स्ट 4 यूनिट्स पानी पानी कर लो, तभी हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट 100 पेजेस जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे या गवर्नेंस पे है, और उसी में से आप लोग जो है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को कवर कर लोगे। इसलिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वो लेने से अच्छा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली लक्ष्मीकांत ले लो, बहुत कुछ कवर कर लोगे। अब ऑब्वियसली बुक्स बहुत ज्यादा बड़ी है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, सिलेबस को सामने रखो और पढ़ो। हर बुक अगर आप लोग पढ़ने लगोगे पूरी पूरी तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, सिलेबस को सामने रख के बुक्स को पढ़ो। बाकी आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे हूं, आप लोगों के लिए सोच रहा हूं एक लेक्चर सीरीज चलाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग भी देख सको, जितना मुझे मेरे से हो पाएगा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो पोटेंशियल क्वेश्चन हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में आ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चन वो डालते हैं, किस तरह का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। और बाकी आप लोग बने रहे मेरे साथ भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह के भी डाउट है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।